गांव के अंधविश्वास ने ले ली मासूम की जान, झाड़फूंक के चक्कर में शरीर में फैला विष और चली गई बच्चे की जान। मामला गोड्डा के पोड़ियाहाट प्रखंड के धादुकुटू गांव की है, जहां आज सुबह 5 बजे के करीब एक 8 वर्षीय बच्चे की जान विषैले सांप काटने से हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह के 5 बजे अविनाश मरांडी नाम के बच्चे को घर में ही एक विषैले सांप ने काट लिया। वही जब इसकी सूचना परिजनों को हुई तो परिजनों ने बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय गांव में ही रखकर झाड़फूंक करा विष उतरवाने लगे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जब बच्चे के पूरे शरीर में विष फैलता चला गया, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे में सुधार नहीं देखने पर बच्चे को पोड़ियाहाट के मर्सी अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। माया लग गया। आपका बच्चा का नाम क्या था? अविनाश मरांडी। कितना उम्र का था वो? 8 साल, 8.5 साल का। वो जो सांप निकला कहाँ पर निकला था? सांप कहाँ पर? वो पटरी के नीचे में था। आपका घर में घुस गया था? कितना बजे का घटना है? 5:30 बजे, 6 बजे। तो आप लोग इस जब सांप ने डंस दिया तभी दवाई पानी नहीं करवाया उसको? हॉस्पिटल नहीं ले गए? दवाई के झाड़ फूक भी और हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल ले गए थे? कहाँ पर ले गए थे? कौन हॉस्पिटल? तो उसका डेट कैसे हो गया? वहाँ हॉस्पिटल में हुआ कि घर में हुआ? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हो गया था। क्या नाम हुआ चाची आपका? मेरा नाम चांदनी है। ये जो घटना हुई है घर में, कैसे क्या हो गया? वो तो मतलब क्या हुआ है शुरू से तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा। लेकिन बोल रहा था कि सांप तो उसको काट लिया, तो झाड़ फूक करने के लिए कहाँ जो उसको लेके गया था तो वहाँ से फिर कोई कोई बताया तो मर्सी हॉस्पिटल लेके उसको ले गया। उसका ध्यान कहाँ हुआ? हॉस्पिटल में हो गया? हॉस्पिटल में हो गया उसका ध्यान। ये घटना कितने बजे की है? आज की है ना? आज सुबह का। अच्छा, करीबन कितने बजे बज रहा था वो? 5 बज रहा सुबह का ही घटना। क्या नाम हो चाचा आपका? जॉन मरांडी। कैसे क्या घटना हो गया? घटना तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन घर में तो सांप मतलब दांत है घर में। तो आप लोग बाद में क्या किए बच्चा को? हम तो नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल ले गया इनको। हॉस्पिटल ले गए थे? हाँ।